तो दोस्तों हर इंसान का एक सपना होता है। सपना क्या होता है दोस्तों? उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, उसके उसके पास में करोड़ों की बैलेंस हो, उसके 7 डिजिट का उसका जो है अकाउंट में बैलेंस हो, उसका खुद का घर होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, और एक वॉचमैन जो है उनके बंगले का दरवाजा खोलना चाहिए दोस्तों, और कार अंदर घुसनी चाहिए, उस कार में बैठे रहना चाहिए, और खूब लंबी सी कार हो, खुद की गाड़ी हो, खुद का घर हो, और परिवार को जब चाहो आप विदेश यात्रा करवा सको दोस्तों एरोप्लेन से, और आप आर्थिक रूप से आजाद हो। ये सब सपने किसके होते हैं? एक नॉर्मल इंसान के होते हैं दोस्तों। इंसान ही एक ऐसा प्राणी है इस पृथ्वी पे जो सोच सकता है आने वाले कल के बारे में दोस्तों। लेकिन दोस्तों दुख की बात यह है कि कुछ लोग जो है आज के बारे में भी नहीं सोच सकते हैं कि शाम को क्या होने वाला है। तो दोस्तों हमें बड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मशीन रहता है, दिमाग जो है वो एक रोबोट है, उसको जो चीज सिग्नल देंगे वही चीज उसी चीज का फार्मूले के बारे में बताता है। अगर आप उससे पूछ के देखिए दोस्तों कि हमें 1 लाख रुपया महीना कमाना है, तो दिमाग जरूर बताएगा दोस्तों कि आपको 1 लाख रुपया कैसे कमाना है। लेकिन अगर आप उसको पूछोगे हम 10 हजार रुपया महीना कैसे कमाएं, तो आपको 10 हजार रुपया महीना कमाने की फार्मूला बताएगा। दोस्तों जब उसको पूछना ही है तो आप उसको 1 करोड़ रुपया कैसे कमाएं, ऐसा फार्मूला पूछिए, जरूर आपको बताएगा दोस्तों, क्योंकि वो रोबोट है, आपका दिमाग एक रोबोट है, और जैसी संगति वैसी रंगति, जिसके साथ में रहोगे दोस्तों उसके साथ में वैसे आप बन जाओगे। अगर आप 1 करोड़ कमाने वाले के साथ में रहते हो, तो दोस्तों आपके दिमाग में 1 करोड़ कमाने का फार्मूला आएगा, और आप 1 करोड़ रुपया महीना कमाने के बारे में सोचोगे। तो दोस्तों यहाँ पे पर्ल माइन इंटरनेशनल एक ऐसा सिस्टम है कि यहाँ से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों आप व्यापार कर रहे होंगे या फिर नौकरी कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो आप कर रहे होंगे, क्योंकि जिंदगी को चलाने के लिए पैसे की बहुत जरूरत होती है, और इस दुनिया में सारी खुशियां पाने के लिए पैसा होना बहुत जरूरी है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये सारे सपने मैं पूरा कर सकता हूँ नौकरी करके, व्यापार करके जो आप कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि हाँ वहां से मेरे सपने पूरे हो जाएंगे, तो पर्ल वाइन इंटरनेशनल आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर आपको 1% भी डाउट है कि जो काम मैं 20 साल से कर रहा हूँ, 10 साल से कर रहा हूँ, उससे अगर आज तक मेरे सपने पूरे नहीं हुए, तो हमारे सपने आने वाले 20 साल में भी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल 100 रुपए लीटर क्रॉस कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे परलवाइन इंटरनेशनल एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां पे दोस्तों आप कुछ भी ज्यादा इन्वेस्ट ना करके आप यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस का एम्पायर खड़ा कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों परलवाइन इंटरनेशनल के बारे में। तो परलवाइन क्या है? परलवाइन दोस्तों डिजिटल रेवोल्यूशन है। डिजिटल रेवोल्यूशन क्या होता है दोस्तों? जिस प्रकार से हरित क्रांति, श्वेत क्रांति आई थी, उसी तरीके से अब डिजिटल क्रांति आने वाली है। 2030 तक यहाँ पे दोस्तों आईटी वाले रोबोट 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 को बनाने वाला, दोस्तों आप सोच सकते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होगा, मशीन मशीन को बनाएगी, जैसे इंसान इंसान को बनाता है वैसे मशीन मशीन को बनाएगी दोस्तों। मशीनें आपस में बात करेंगी, ड्राइवरलेस कारें होंगी, यानी कि दोस्तों इतना तगड़ा 5G जब आने वाला आएगा दोस्तों, यहाँ पे मशीनें मशीनें से बात करेंगी, यानी कि ड्राइवरलेस कार आने वाला है। जैसे आप देखिए, आप जो है सिग्नल पे पुलिस खड़ा रहता है, तो क्या करेगा वो, पुलिस रोकाता है, रोकता है कि भाई आप रुक जाओ, इनको जाने दो, या फिर रेड सिग्नल लगे रहते हैं, रेड सिग्नल देख के आप क्या करते हो, अपने गाड़ी को रोक देते हो। लेकिन दोस्तों ऐसी मशीनें आने वाली है, रोबोटिक कार आने वाला है दोस्तों, कि उसमें बिना कोई ड्राइवर बैठे हुए वो जो है दो दो कार, एक कार सामने से आती रहेगी, दूसरी कार इधर से जाती रहेगी, तो वो आपस में बातें कर लेंगी, भाई तुम लेफ्ट में चलो मैं राइट में चलता हूँ, या फिर तुम रुक जाओ मैं मेरे को जाने दो, इस तरीके से मशीनें बातें करने वाली दोस्तों 5G आने के बाद में। तो दोस्तों आपका दरवाजा भी 5G रहेगा, यानी कि सामान भी बनने वाला है 5G, आपका इन्वर्टर भी 5G रहेगा। आप दुबई में चले गए और आपने इन्वर्टर घर पे चालू करके छोड़ दिया, तो दुबई से आप जो है 5G आपके पास में रहेगा, 5G का प्रोडक्ट रहेगा, तो आप जो है दोस्तों इन्वर्टर वहां से बंद कर सकते हो, खिड़की आप बंद कर सकते हो, दरवाजा आप बंद कर सकते हो दोस्तों। ऐसा टेक्नोलॉजी आ रहा है, उसको बोलते हैं डिजिटल रेवोल्यूशन। तो दोस्तों डिजिटल रिवोल्यूशन आ चुका है, और पर्ल वाइन इंटरनेशनल में आप दोस्तों यहाँ पे आ चुके हैं, इसलिए आप दोस्तों लकी हैं, नसीब वाले हैं, सौभाग्यशाली हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसके बारे में पर्ल वाइन इंटरनेशनल आखिर क्या है, तो इसके बारे में पूरी आपको जानकारी दी जाएगी, और आपको यहाँ पे 1 साल में 1 करोड़ रुपया कैसे कमाया जा सकता है, एकदम आसान तरीके से दोस्तों तरीका बताया जाएगा। अगर वो तरीका को आप कर सकते हैं तो आप पैसा कमा सकते हैं, अगर वो तरीके को नहीं कर सकते हैं तो आप जो कर रहे हैं करते रहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये डिजिटल रिवोल्यूशन क्या होता है और इससे क्या क्या फायदा होता है, उससे मैं आपको बारे में बताऊंगा। परलवाइन करने से क्या फायदा है, डिजिटल रिवोल्यूशन आने से क्या फायदा है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों यह एक एफिलिएट मार्केट है। एफिलिएट मार्केट का मतलब होता है दोस्तों बिना सामान की दुकान। अब आपने और हमने आज तक तो ऐसा दुकान देखा है जहां पे सामान भरे रहते हैं, जितना ज्यादा सामान भरा रहता है, जितना बड़ा मॉल रहता है उस मॉल में आप जाते हो,
और वहां पे सामान आप खरीदते हो दोस्तों। लेकिन दोस्तों वो जमाना अभी धीरे धीरे पुराना होता जा रहा है, और यहाँ पे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, गूगल है, फोन पे है, पेटीएम है, अमेजोन है, ऐसे बहुत सारे सिस्टम है दोस्तों। आप यूज कर रहे हो लेकिन आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, वो एफिलिएट मार्केट है, वो उनके पास में कोई सामान नहीं है, उनके पास में कोई दुकान नहीं है, उनके पास में कोई कस्टमर केयर नहीं है, उनके पास में ऐसा बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, लेकिन दोस्तों अरबों खरबों की इनकम है पर सेकेंड, पर सेकंड की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो कि हमारा और आपका दिमाग मानने को तैयार नहीं है कि साला एक सेकंड के अंदर में पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि एफिलिएट मार्केट है, एफिलिएट मार्केट मतलब बिना सामान की दुकान। तो पर्ल वाइन इंटरनेशनल भी दोस्तों एफिलिएट मार्केट है, यहाँ पे कोई आपको सामान बेचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई सामान आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको कोई सामान कहीं पे इसका माल इसको बेचना है, उसका सामान उसको बेचना है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इसको समझने की जरूरत है और इसको प्रमोशन करने की जरूरत है। जितना ज्यादा आप इसको प्रमोशन करेंगे, जितना ज्यादा सही जानकारी लेकर लोगों को जागरूक करेंगे, जागरूक करने का पैसा मिलता है दोस्तों। और एक बार अगर आपने किसी को जागरूक कर दिया, वो आगे से आगे लोगों को जागरूक करता जाएगा और आप घर पे सोते रहेंगे और आपको पैसा यहाँ पे आता रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि पर्ल वाइन इंटरनेशनल भी एक एफिलिएट मार्केट है। तो यह एक रिफर एंड अर्न के सिद्धांत पे काम करता है दोस्तों। यहाँ पे रिफर आप मतलब जैसे मान लीजिए किसी दुकान पे आप जाते हैं, आपको समोसे पसंद आ गए, आपको कचौरी पसंद आ गया, या फिर आपको रेस्टोरेंट में खाना पसंद आ गया, या फिर कपड़े पसंद आ गए, या फिर बहुत सारी जरूरत की चीजें हैं दोस्तों। आप जाते हैं किसी दुकान पे खरीदते हैं ऑफलाइन में, आपको पसंद आता है, तो आप क्या करते हैं किसी दोस्त को अपने बताते हैं कि भाई यहाँ पे मैंने ऐसा ऐसा सामान खाया और यहाँ पे बहुत अच्छा कपड़े मिलते हैं, सामान मिलता है। तो आपका दोस्त क्या करेगा, वहां पे जाएगा और वो सामान को यूज करेगा, लेगा, खाएगा और कपड़े भी हो सकता खरीदे। उसके बाद दोस्तों आपको दुकान वाला क्या देता है, आपके दोस्त को और आपको एक बहुत सुंदर सी थैली देता है, कैरी बैग देता है। उस कैरी बैग के ऊपर उसका एड्रेस रहता है, मोबाइल नंबर रहता है, और उस एड्रेस और मोबाइल नंबर उसके कैरी बैग पे लिखा रहता है, और आप उस कपड़े को लेके आते हो। रस्ते में दो चार लोग मिलते हैं, आप उनको दिखाते हो, भाई इस दुकान से मैंने लिया हूँ, बहुत अच्छा है। वो दुकान वाला को तो आपने अमीर बना दिया, उस दुकान वाले को तो आपने कस्टमर दे दिया, लेकिन दोस्तों वो कस्टमर कितने लोगों को कस्टमर को भेजेगा आपको मालूम नहीं है, लेकिन दुकान वाला तो अमीर बन गया, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे, उसके फोर व्हीलर आ गई, कार आ गई, बंगले बन गए, लेकिन दोस्तों आपका क्या हुआ? आप दोस्तों सिर्फ कस्टमर बने रहे, यानी कि कष्ट करो और मरो। तो दोस्तों यहाँ पे अंग्रेज लोग आए थे, अपना नाम रख के चले गए कस्टमर, कस्टमर मतलब कष्ट कर और मर, कस्टमर हिंदी शब्द है लेकिन उसको अंग्रेज बोलते गए कस्टमर, कस्टमर, इसलिए हम लोग कस्टमर कस्टमर इंग्लिश समझने लगे। कस्टमर मतलब गाली होता है दोस्तों। पर लवाइन इंटरनेशनल आपको कस्टमर नहीं बनाता है दोस्तों, आपको को पार्टनर बनाता है, ये चीज को याद रखना, को पार्टनर आपको बनाता है दोस्तों। यहाँ पे पार्टनर और आपको ग्राहक, जिसको ग्रह लगा उसको ग्राहक बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको रिफर एंड अर्न, यानी कि अगर पर्ल वाइन इंटरनेशनल के बारे में अगर आप किसी को बताते हो दोस्तों, आपको 1218 रुपए की इनकम पलक झपकते हुए होती है दोस्तों। आपको इंतजार नहीं करना है कि मेरा पैसा कब आएगा, काम का दाम, पसीना सूखने से पहले आपको पैसा मिल जाता है दोस्तों, बटन दबाते हुए पैसा आपको मिलता है यहाँ पे माइक्रो सेकंड के अंदर में 1218। दोस्तों आप जितने लोगों को देखते हो, जितने लोगों को जानते हो, जितने लोगों के पास में आप मोबाइल में नंबर है, उतने सारे लोगों के पास में आपका 1218 पड़ा हुआ है। और दोस्तों जितने भी लोग हैं वो भी अगर आगे से आगे लोगों को बताते जाएंगे, जागरूक करते जाएंगे, तो दोस्तों आपको लाखों करोड़ों नहीं अरबों रुपए की इनकम आती है। कैसे आती है दोस्तों आगे मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ आप बने रहिए। तो दोस्तों यहाँ पे नो इन्वेस्टमेंट नो रिस्क नो लायबिलिटी, सबसे पहले लोगों को डर क्या लगता है, इंडियन लोगों को, कि हमने डाल दिया और कुछ हो गया तो। निगेटिव ज्यादा लोग हैं यहाँ पे दोस्तों, कि उन्होंने ऐसा नहीं सोचते कि ऐसा हो गया तो अच्छा हो जाएगा तो क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले उनके दिमाग में निगेटिव विचार आते हैं, निगेटिव थॉट्स आते हैं। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा इंडिया में सबसे ज्यादा जो, आप बुरा मत माना दोस्तों, शब्दों को मत पकड़ना, कुछ साथी ऐसे मेरे शब्दों को पकड़ लेते हैं, अंकित जी आपने ऐसा क्यों बोला, शब्दों को मत पकड़ना दोस्तों, उसके मतलब को पकड़ना, उसके अर्थ को पकड़ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे जितने भी साथी हैं हम पर्ल वाइन इंटरनेशनल को अपनी फैमिली मानते हैं, और फैमिली में आप जो है भावनाओं को समझा जाता है। आप मेरे भावनाओं को समझा कि अंकित जी आपने ऐसा क्यों बोला। कुछ साथी बोलते हैं अंकित सर आपको बोलना नहीं आता है, आप तेज आवाज में बोलते हो, आप कोई कुछ बोलता है तो आप ऐसा बोलते हो। सर मैं आपसे बताना चाहता हूं, यहाँ पे हमारा एक ही मकसद है समझाने का, बताने का, कि आपके घर में पैसे आने चाहिए। मेरा एक ही मकसद है दोस्तों, हमको बताना समझाना, आप हमारी भावनाओं को समझिए। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि इंडिया में सबसे ज्यादा गुटखा सिगरेट बीड़ी और दारू सबसे ज्यादा बिकता है, लेकिन लोग उसके ऊपर लिखा भी रहता है कि पियोगे तो मरोगे, कैंसर होगा, टिटनस होगा, ये होगा, वो होगा, किडनी खराब हो जाएगी, फेल हो जाएगा, दोस्तों लिखा रहता है। और दोस्त लोग सबसे ज्यादा सुबह सुबह जाएंगे, दूध की दुकान पे लाइन नहीं लगी रहती है, लेकिन जो गलत चीजें हैं जिससे आपकी सेहत खराब होगी,
करोड़ों रुपए की अरबों रुपए की आपकी मशीन है, बॉडी है, रोबोट है, उस रोबोट को आप खराब कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, लोग अपना सेहत को खराब करते हैं और उसका हिसाब कभी नहीं निकालते कि हमने कितने रुपए में क्या खर्च कर दिया, कितने रुपए का हमने सिगरेट पी लिया, कितने रुपए का तंबाकू खा लिया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन दोस्तों पर्ल वाइन इंटरनेशनल में जिंदगी बनाने के लिए दोस्तों 2250 के लिए लोग एक एक साल से सोच रहे हैं और अपना दिमाग लगा रहे हैं कि अंकित जी को पैसे कैसे आ रहे हैं। दोस्तों आ जाओ अंकित जी के पास में, अंकित जी बताने के लिए रेडी है, ओझा सर बताने के लिए रेडी है, राशि मैडम, गुरविंदर पाजी या फिर जितने भी हमारे साथी हैं मीटिंग में, वो बताने के लिए रेडी है पैसे कैसे आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों लोगों की मेंटेलिटी क्या है, निगेटिव थॉट्स, यानी कि हमेशा नकारात्मक सोचना। तो दोस्तों हमेशा पॉजिटिव सोचिए कि